ये शटर है, ये वो है गाड़ी पार्क करने के लिए। राम राम जी। कल तो खूब बढ़िया न्यू ईयर मनाया, खूब बढ़िया मस्त, सारे फायरवर्क्स देखे, सब कुछ देखे, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ही बढ़िया आनंद आया, मुझे तो खूब ज़्यादा आनंद आया। और मैंने कोशिश भी करी जितना मैक्सिमम मैं आप दिखा सकूँ उतना मैंने दिखाया भी। तो भाई बस यही है सिडनी का न्यू ईयर, सिडनी के फायरवर्क्स जो पूरी की पूरी दुनिया में मशहूर है। कल जब रात को मैं वहाँ से आया ट्रेन से, भाई इतनी भीड़ ही मैंने दिखाई यहाँ पे वीडियो में, कितनी भीड़ी, कितने मतलब बतावें, सिडनी की पॉपुलेशन 70 लाख लोग हैं पर मुझे लगे कल वहाँ करोड़ लोग आ गए। हाँ टूरिस्ट भी बहुत है, तो ये सब लगा के बहुत ज़्यादा भीड़ी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ी, पैक और पूरा सिडनी भाई, कल पूरा मज़ा आया। मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप दिखा सकें मैंने दिखाया। तो अभी क्या है कि बस मैं यहीं सिस्टर के घर के बाहर निकल आया थोड़ा वॉक करने के लिए। मैंने सोचा वॉक करके आप यहाँ के दिखा दूँ कि यहाँ सिडनी के घर, सिडनी के जहाँ ये कॉलोनी है कैसी रहे। देख लो सिडनी के जो घर हैं वो ऐसा कुछ रहे हैं, ये जहाँ सिस्टर रह रही हैं वैसे तो बता रही हैं कि सबसे अच्छी कॉलोनी है, बहुत पॉश कॉलोनी है। यहाँ वैसे तो इंडियन बहुत ही कम है पर यहाँ तो थोड़े डिस्टेंस पर जाके ज़्यादा, उधर इंडियन ज़्यादा हैं, बता रही सिस्टर मुझे। तो ऐसे ऐसे वैन खड़ी रहे लोगों की, ये वैन क्या हाउस ही बना रखे हैं, ये गाड़ी में बांधे हैं अपने एडवेंचर के लिए, घूमने के लिए ऐसे चले जावें। देखो भाई घर ऐसे घरों में, ये जो शटर हैं ये वो हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, ऑटोमेटिक हो गए सबकी गाड़ी में, ये अपने 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 रिमोट लगे रहे हैं, अपने रिमोट से खोलो और देख लो। तो भाई यही मराहो मैं बाहर बन के थोड़ा बहुत दिखा लूँगा आप। और बढ़िया धूप पड़ रही है, आज टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो रखा है, मेरे साथ 28 टेम्परेचर हो रखा है आज का, मैंने चेक करा 28 टेम्परेचर। एक बात है भाई, यहाँ कोई घर से बाहर ना बैठे ना निकले, अपने अपने घर में रहें सब, का ये कोई तो किसी को मतलब भी ना रहे, अपने घर में रहें सब। स्विफ्ट खड़ी है भैया, कोई कोई कहीं कहीं दिख जा, वैसे कोई दिख ही नहीं रहा, वैसे कोई जा रहा है अपनी गाड़ी में बैठ के, कोई दिख गया भाई। देखो ऐसे घर है, किसी ने बढ़िया मेंटेन कर रखे हैं, किसी ने मेंटेन ठीक से ना कर रखे, सेम नहीं है सामने वाला घर है, ये तो मुझे लगा मेंटेन ना कर रखा है। देखो गाड़ी कोई पुरानी सी खड़ी है इनकी, तो इनने सही से मेंटेन भी ना कर रखा, और नहीं कुछ ने ये जीप दुनिया भर गाड़ी खड़ी है भाई बाहर, पूरी शांति है आराम से, पॉल्यूशन नाम की चीज़ ना है। मैं तो बढ़िया थोड़ा सा बाहर निकल के मैंने वॉक कर लूँ, कल रात को बहुत लेट होगा, आते 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 ट्रेन में आया तो 2 बज गए, जीजाई लेने गए। हाँ कल और एक और होगा ड्रामा, जब मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी आप जीजाई लेने आए, वाके बाद क्या हुआ कि जैसे हम वहाँ से चले तो थोड़ी दूर चले तो पीछे से पुलिस का सायरन आया, अब जीजाई ने साथ में गाड़ी रोक ली साइड में, मैंने कहा जी क्यों क्या है, कह रहा यहाँ क्या हुआ कि रैंडमली ऐसी पुलिस चेक कर ले किसी की भी गाड़ी चलते हुए और आए, फिर आके उन्होंने बोला कि आप लाइसेंस दिखाओ। अब जिया जी तो यहीं के यहीं रह रहे हैं, उनका पासपोर्ट भी यहीं का सब कुछ यहीं से, तो उन्होंने लाइसेंस दिखाया, एक सेकंड चेक करा और बोले कि यू आर अ गुड मैन जाओ बस, और कुछ भी ना बोले। और हमारे वहाँ तो उन्होंने कहा भैया दिखा पेपर, दिखा वो दिखा, फलाना दिखा, ढिमकाना दिखा, इनने ना कुछ भी देखा, इन्हें तो बोला ये लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस देखा और अपने कोई ऑनलाइन और इनका कोई सिस्टम हो वहाँ में लगाया वो लाइसेंस, वहाँ में चेक करा और बोले यू आर अ गुड मैन और जाओ बस, इतना कह कर छोड़ दिए बस। हाँ लेकिन एक बहुत अच्छा जीआई से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया मुझे कि जैसे ही पीछे से पुलिस का सायरन बजे तो अपना साइड में गाड़ी लगा के रोक लो। तो उससे क्या है कि भाई मैंने पूछा भी उनसे कि मैंने कहा ऐसा क्या है, कह रहा कि ऐसा क्या है कि ये ऐसे तो हाथ देवे ना पीछे से आवाएं सीधे साइरन मारे, तो साइरन मारे तो समझ जाना चाहिए कि आपकी गाड़ी के लिए साइरन मार रहे हो, तो साइड में लगा के उन्होंने रोक ली। तो भाई छोटी सी कॉलोनी है ऐसे, बहुत सुंदर सी है छोटी सी, मैं तो चारों तरफ ये कॉलोनी के घूम रहा हूँ और घूमते घूमते वीडियो बना रहा हूँ। ये इधर पार्क है, मतलब कॉलोनी के बाहर की तरफ ही पार्क से बना रखा है इन्होंने, पर आज तो धूप भाई तगड़ी धूप हो रखी है बढ़िया वाली।
28 टेम्परेचर है, तगड़ी धूप हो रही है भाई, ये देख सको। पर मेरा भाई सिडनी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मैं बहुत दुनिया घूमा हूँ, और मैं सबकी वीडियोस बना के डालता भी रहता हूँ, पर ये सिडनी का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा भाई, बहुत अच्छा रहा। मैंने सारी वीडियोस आपसे शेयर भी करी, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बना सकता था भाई, सब कुछ बनाया मैंने, आपको दिखाया मैंने, आप पूरी कॉलोनी का वॉकिंग टूर करा दिया, धीरे 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 वॉक करके पूरी कॉलोनी दिखा दी। देखो भैया सकूल अपना हेलमेट पहन के साइकिल चला रहे हैं आराम से। वो मेन कॉलोनी गेट वहाँ है शायद सामने, वहाँ तक भी वॉक करते हुए चले जाते हैं, देख लेते हैं एक बार। अब इतनी वॉक कर लिए तो मैं सोच रहा हूँ सारी कॉलोनी प्रॉपर आप दिखाई दूँ भाई, बाहर से दिखा सकूँ, किसी घर में तो जाना सकूँ, क्योंकि घर में थोड़ा अलाउड है किसी के जाना भाई, क्यों वैसे ही कोई किसी से बात ना करे, बातचीत कम करें अपने पब्लिक, क्यों किसी से कोई किसी जाने तो वही हाय लो कर ले, नहीं तो अपने मतलब तो मतलब रखें सब। ये तो घर किसी ने बड़ा बना रखो भाई, खूब बड़ा घर बना रखो, देखियो अच्छा घर बना रखा काफी बड़ा। और देखो एंटीना खूब दिख रहे हैं, हमारे एंटीना खत्म हो गए ऊपर वाले, ये इनके हम दिख रहे हैं। देखो भाई यहाँ लोग खुद ही गार्डनिंग करते हैं, देखो पीछे अपना अंकल और आंटी अपने घर की सफाई खुद ही कर रहे हैं, ये आप देख सको बाहर वो पौधे काट रहे हैं, वो आंटी घास साफ कर रही हैं, यहाँ काम खुद ही करने पड़े हैं भाई, यहाँ नौकर ना मिला हिंदुस्तान की तरह, जो रईस लोग हैं वो नौकर रख लें, यहाँ तो भैया खुद ही काम करने पड़े हैं। देखो अपना लगे हुए हैं दोनों अंकल आंटी आराम से, ये सुन भी रहे होगे आप। तो ये मैं पूरी कॉलोनी को वॉक करके बढ़िया अराउंड पूरी कॉलोनी को वॉक करके वापस आ गया भाई, ये देखो अंकल लग रहा अपनी सफाई करने में, पूरी कॉलोनी को वॉक। यू भैया हमारी बहन जी घर है, ये सामने यू इनको गैराज है, यहाँ अपना ऑटोमेटिक स्विच दबाओ और ये गैराज खुल जा। बहन जी ने भगवान बुद्धा की मूर्ति लगा रखी है बाहर पार्क में, अरे खोल दे भाई, ओ पूरी पूरी कॉलोनी घुमा के एक बुजुर्ग मेरे को घास काट रहा हुआ दिखाए, कहते वहां सारे पूरी ऐसी कॉलोनी में घूम के पार्क वार्क सब घूम के आया मैं, बहुत ज्यादा। प्रधान जी लग रहा खेलने में, मान जा तू,